लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये गेट पे क्यों खड़ा है रे तू? या बाहर आ जा या फिर अंदर जा, बीच में क्यों हाथी की तरह खड़ा है रे? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, क्या हो रहा है सबको कवर करने के लिए। हाँ, तुम खुद को बहुत हैंडसम समझते हो क्या जो सबको तुम दिखाना चाहते हो? ए, पूना से लेके हैदराबाद तक मच्छर की तरह मेरा खून चूस नंबर। तुम ही हो क्या? जी हाँ, आपका नाम सनी है? जी हाँ। धत तरह की, तुम कोई टीवी आर्टिस्ट होगे, हम ये समझे थे। आज तुम लाइन मारने की पूरी तैयारी करके आए थे, बैड लक। हमारे लिए गुड लक है, वैसे इस हैंडसम को मैं संभाल लूंगी। ए मोटू, अंदर जाने देना। हाँ आइए साहब, आइए सब बिंदास। ए मोटू, नंदी बैल की तरह बीच में रास्ता रोके खड़ा है, ये भाई को जाने देना, साइड में हट। हाँ हट गया ना यार, आने दो। ऐसे मनुष्य हैं ये, ध्यान भंग कर दिया हमारा। वाओ, सिंपली सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप, कांग्रेट्स। थैंक यू। आपका गाना सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा था। बाय द वे, आई एम अशोक सर। आई एम प्रभाकर। अरे रुको यार, ये तो ट्रेन में हमारे साथ ही है ना, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सर ये है अशोक। हेलो सर। ये लड़की है मालती। है ये सुंदर। हेलो सर। हेलो। ये प्रवीण। हेलो सर। हेलो। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड साइड। ए इतना मत तड़प रे, तेरा स्पेशल इंट्रोडक्शन कराता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। सर इसका नाम है चरपति, आकार गणपति, गांव तिरुपति, और इसकी माँ बेचारी भूख से तड़प कर मर गई, बाप चार टाइम खा के मर गया। मैं एक्चुअली हैदराबाद से एजुकेशन टूर के लिए पुणे आई थी। आप यहीं रहते हैं क्या सर? नहीं सर, आप यहाँ पर जॉब करते हैं क्या? नहीं। आपका क्या कोई बिजनेस है? नहीं यार, ये घूमने के लिए आए होंगे, है ना? अच्छा? नहीं यार। तो फिर आप कहाँ से आ रहे सर? जेल से। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, 7 साल के जेल की सजा काटकर मैं आज ही छूट कर आया हूँ। 7 साल की जेल की सजा काटने की वजह रेप, मर्डर, रॉबरी, ये सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है। तो फिर आप? ये हमारा है आंटी। तुम्हारा है क्या? हाँ आंटी, ले लो। What's your name? मोनिका। अच्छा आंटी, फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए आप ही आई है ना? बिल्कुल सही, तुम्हें कैसे पता? आप लोगों को अपना सामान ले जाते हुए देखा था। बाय आंटी। बाय आंटी। बाय आंटी। हाँ? यू आर सो क्यूट। थैंक यू। फैन और ट्यूबलाइट मैंने फिट कर दिया है, और कुछ काम होगा तो मुझे बुला लेना। अच्छी बात है। हाँ ठीक है। दादी माँ, दादी माँ। हाँ क्या है बेटा? सामान सब आ गया है ना? सब कुछ आ गया, घर बहुत बढ़िया है ना? उधर तो मेरा दम घुटता था, इस घर को देखो कितना बड़ा कितना अच्छा है, यहाँ सब कुछ पास में भी है, एक तरफ जनरल स्टोर, दूसरी तरफ राशन की दुकान, उसके बाजू में लॉन्ड्री की दुकान, और उसके बाद में। इसका मतलब आपको ये जगह बहुत पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई, तुझे एक चीज दिखाती हूँ। देख तो, यहाँ से तेरा कॉलेज कितना नजदीक है। आज दीपावली है ना, तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा,
हम लोग मार्केट जाकर पूजा का सामान लेकर आते हैं। ठीक है दादी माँ। चल बेटा। ए मेरे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे, इतनी गहरी नींद कैसे लग गई मुझे। अरे भगवान, भाग्यवान, भाग्यवान, टाइम कितना हो गया तुम्हें पता है? उधर कब की दुकान खुल गई होगी? मैं लेट पहुंचूंगा तो ग्राहकों का क्या होगा? क्यों भाग्यवान, मेरे लिए उठ के जल्दी से नाश्ता तैयार नहीं कर सकती? महारानी की तरह। समाचार, छोटा नगर, शुक्रवार, नवम्बर 14। बैग कॉफी पहुँचाने के बाद भी डांट खाती हुई पत्नी। कॉफी तो लेकर आई लेकिन जगह क्यों नहीं? अपने प्यारे से पति को दिलो जहाँ से चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने वाली पत्नी। बस बस रुक जा। तेरा बाकी का समाचार मैं शाम को सुन लूंगा। वक्त से पहले सब कुछ तैयार करने के बाद भी सवालों से जूझती एक मजबूर, जिम्मेदार, कर्तव्य पूर्ण बीवी। हर चीज समाचार में लिखा है क्या? तू पेपर में पढ़कर सुना रही है? वो सब तो ठीक है, मेरा टिफिन तैयार किया है कि नहीं किया है? वो मैंने सुबह ही खा लिया। अपनी तरफ तुम इतना ध्यान मत दिया करो, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दिया करो। हर वक्त कमी निकालने वाले पति से परेशान होकर भी हंसती हुई वाइफ। देखो श्रीमती जी, तुम 24 घंटे गहने में सज धज कर पेपर में घुसी रहती हो, किसी दिन ये भी लिख करके आएगा बीवी की गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से तंग। लेफ्ट साइड में तुम्हारा फोटो होगा, राइट साइड में मेरा फोटो होगा। एक दिन लोग उसे पढ़ेंगे, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था। मुझे वैसे भी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ क्या? हाँ बहुत देर हो गई थी, अब क्या करें? नहीं, किसने मुझे घर से बाहर निकलते ही लड़कियों के दर्शन हो गए। वाह रे वाह, आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। शाबाश शाबाश। अरे लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। किसी भी वर्कर को टाइम की जरा भी कदर नहीं है। क्यों बे, इतना लेट क्यों? रात को लास्ट शो सिनेमा देखने गया था सर, इसीलिए लेट। ना तुझे घुमा कर, तू लास्ट शो सिनेमा देख कर मुझे मिड डे शो दिखा रहा है। टाइम पे दुकान खुलनी चाहिए, यूजलेस फेलो। वो किराने की दुकान देख, वक्त से पहले वो दुकान खुल जाती है। उस सेठ को देखो, ब्याज पे ब्याज लगाकर लोगों को लूटने के लिए टिशु बाकर लक्ष्मी देवी की आरती उतार रहा है। ओए इडियट, जैसे दुकान है साला, एक दिन मैं लेट आ गया तो तू मुझसे भी लेट होकर के आएगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है तू? टाइम देख जरा, जल्दी कर। ठीक है साहब। देख 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 लिया तूने? दुकान के खुलते ही सारे इलाके की रौनक बदल गई। वो किस लिए पता है ना? नंबर 1 विस्की सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है, समझ गए? लेकिन अभी तक ऑर्डर तो नहीं आया सर। तो क्या अब तो अपने जेब से पैसे निकाल कर ऑर्डर देने वाला है? 400 रुपए की एक बॉटल आती है, तेरे औकात है क्या? घर से चला कर आया। Hey, जब तक मेरी शॉप में बोनी नहीं होती तब तक मैं नहीं चलाता। इतना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, इस कंपनी के मालिक की रोजी रोटी मेरी वजह से चलती है। तुम सब लोग क्या सोचते हो, मैं सब समझता हूँ। तेरा भी पीने का मूड जरूर करता होगा, सीधे तेरी पगार से 86 रुपीज काट लूंगा। अगर कोई मेरे साथ नमक हरामी करता है तो मैं सीधे उसे अंदर दफन कर देता हूँ। गुरु, गुरु, गुरु। जैसे कितने ही चेले को पहले मूर्ख बनाकर छोड़ चुका हूँ। एक मिनट बात सुन, पहले ये बता तुझे सबसे पहले पीना किसने सिखाया रे? मेरे गुरु ने। और आज तुझे जब बॉटल नहीं मिल रही है तो तेरा मुंह झुक गया? नहीं छोड़ो, इसीलिए चल शटर बंद कर। आज के दिन अगर मैंने बोनी भी की तो मेरे खानदान पे लानत है। हाय हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, चलो आओ बैठ जाओ। क्या हुआ मैम, आप बहुत उदास लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंदु, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। आज शाम को अनाथ बच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना? हाँ। उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है। वैसे हमने दूसरा सिंगर अरेंज करने की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी मुकर गया। सारे टिकट बिक चुके हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ मैम, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, वो बहुत बढ़िया गाता है। अगर आप हाँ कर दी तो मैं उसे बुला सकती हूँ। लेकिन अगर वो अकेला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदु। ऐसा नहीं होगा मैम, आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। एक बार उसकी आवाज़ सुन लेंगी ना तो मेरा डिसीजन सही लगेगा। ओके इंदु, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो उसी से हम गवाते हैं। वो दिखने में कैसा है? अरे वैसे मैंने उसकी आवाज़ ही सुनी है, सामने से देखा ही नहीं।
वो गाने वाला कहाँ रहता है उसका पता लगा कर एड्रेस ले आऊं मैम। ओके इंदु, सबसे पहले तुम यही काम करो। ओके मैम, बाकी सब मेरे साथ चलो। अरे यार बालू, हम लोग जिंदगी भर इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो, कब तक जिएंगे यार? अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे। चाहे ये टीवी हो चाहे वो टीवी हो, मेरा नाम आता है झांसू चैनल। तुमने देखा है क्या? चैनल ओपन करते ही तेरा नाम आएगा, ये खाने की बात है क्या? अपनी रेंज में आएगा तो बदल के देख लेंगे। चल अपना काम कर। काम ही तो कर रहा हूँ। अरे माधव, माधव क्या ठीक से चैनल पकड़ रहा है कि नहीं, तू देख कर बताना। तू ऐसे बेसुरे सुर में बुलाएगा तो आएगा क्या? अब मैं बुलाता हूँ, तू देखते रह। बुला। माधुरी माधुरी माधुरी। दीदी तेरा देवर दीवाना। अब क्यों बुलाया? मैंने तुझे जो काम बोला था वो छोड़कर ये क्या कर रहा है डार्लिंग? वो क्या है? बिंदी लगाने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ ये शीशे में देख रहा हूँ। ये क्या यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये औरत और मर्द के बीच वाले होते हैं ना, खुद को महसूस करने में डूबे रहते हैं। ये लोग होते ही वैसे हैं, शीशे के सामने बैठकर खुद को टीवी प्रोग्राम का कैरेक्टर समझकर एक्टिंग करते रहते हैं। ये बात है। अच्छे अच्छे मर्द लोग भी ना माथे पर बिंदी लगाकर मर्द होने के बावजूद औरतों की एक्टिंग करते हैं। अरे ये बात तू जानता है कि नहीं जानता बालू? मैं जाने आज सुबह किसका मुंह देख करके उठा था। सने सने, एक एक आदमी तीन तीन चार चार बनकर दिख रहे हैं। सनी कहाँ है जरा बताओ तो। वो यहाँ पर नहीं है। वो यहीं पर होगा, यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? रात में गाने का प्रोग्राम था, अब जाकर कहीं रेस्ट कर रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा सिंगर है वो तो, रात भर मेहनत करेगा, दिन में आराम करेगा। पता है मैंने उसकी जिंदगी पर तरस खाकर केबल टीवी का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया, तो उसने तुझे सब कॉन्ट्रैक्टर बना लिया है क्या? आने दे उसको, मैं देखता हूँ फिर। ये यहाँ कर ऐसे बड़बड़ कर रहा है जैसे हम लोगों को फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। ये बात नहीं है यार। हाँ तो वो किधर है?